राजस्थान के बारा छबड़ा के वार्ड नंबर 15 में नगरपालिका चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां दो युवकों समेत एक बुजुर्ग भी नगरपालिका चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि नगरपालिका के वार्ड नंबर 15 में सबसे ज़्यादा मतदाता मुस्लिम समुदाय के हैं और बाकी मतदाता हिंदू हैं। कस्बे के वार्ड नंबर 15 में आज शुक्रवार को होने जा रहे उपचुनाव में तीनों उम्मीदवारों में मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आटाखेड़ी पंचायत में सरपंच के उपचुनाव में आधा दर्जन प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। दोनों चुनाव क्षेत्रों में गुरुवार शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो गया। शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। वार्ड नंबर 15 के उपचुनाव में भाजपा से दीपक वर्मा, कांग्रेस से राम प्रकाश यादव व बसपा के कबीर यादव के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। भाजपा व कांग्रेस के प्रतिनिधि वार्ड सभाएं व मतदाताओं से संपर्क कर अपने प्रत्याशी को जिताने में जुटे हैं। छबड़ा नगर पालिका चुनाव में किसकी होगी तस्वीर साफ और किस चेहरे पे जमेगी धूल, आज इसी को लेकर छबड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 की जो समस्याएं हैं, आज उन समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी से दीपक वर्मा किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो चुनाव लड़ रहे हैं। दीपक जी, आप ये बताएं कि आपके जो वार्ड नंबर 15 की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जिसको लेकर आपने भी वार्ड में जो जनता से वादे करे होंगे, वो कौन कौन से वादे हैं जिनको लेकर आप चुनाव? यहाँ पर इस वार्ड में सबसे बड़ा समस्या तो है गंदगी। यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती, यहाँ पे नालियाँ बनी रहती हैं, आए दिन कूड़े कचरे की गाड़ियाँ यहाँ पर खाली हो जाती है। कूड़े कचरे वाले एकदम वहीं पर कूड़ा कचरा डाल देते हैं, वहाँ पर बॉक्स रखे थे, बॉक्स लगाए नहीं है। हमने दो दो बार तीन तीन बार नगर पालिका से संपर्क किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। प्लस उसके बाद में जो यहाँ का पूर्व पार्षद था, उसके कार्यकाल में कोई वो यहाँ पे ना तो वार्ड में एक्टिव था, जनता के साथ एक्टिव था ना कोई वार्ड। जब भी कोई साइन होता था तो उसके लिए हमारे जो वार्ड वासी उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। यहाँ लाइट दीपक लाइट की व्यवस्था नहीं है, जैसे भी प्रमुख समस्या जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाले की समस्याएँ हैं, पिछली बस्ती है ये बिल्कुल गंदगी के ढेर में अपना जीवन यापन कर रही है। तो जो इससे पूर्व में जो भी पार्षद रहे यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट रही है नगर पालिका में, तो इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? हमने जो पूर्व पार्षद थे उनको इससे चीज के लिए अवगत कराया है, पहले उन्होंने इससे ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों से मैं खुद इसे मोहल्ले का एक वार्ड का वासी इसको देखते हुए आ रहा हूँ। 10 साल से इस वार्ड में इस मोहल्ले में कोई विकास नहीं हुआ है। 1% नाली की ऐसी जर्जर व्यवस्था है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों की टोट फूट वगैरह गाड़ियों गिरती रहती है, उस वजह से आज में भी टोट भी होती है, काफ़ी गंदगी रहती है, उस वजह से आए दिन बीमारियों का प्रकोप रहता है। दीपक बीमारी है, नालियों में बहुत गंदगी हो रही है, कितने लोग परेशान हैं, किसी को सही चिकित्सा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा से बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है वार्ड में। लोगों ने बताया काफ़ी समस्या आ रही है, हमारे कई दिनों तक बिजली नहीं आती है, कई दिनों तक समस्याओं को लेकर लड़ाया जा रहा था समाजदार। और सभी वार्ड वासियों ने आश्वासन दिया कि रवि आगे भी सहयोग मिल रहा है लोगों को, इस पार्टी पर वार्ड वासी भरोसा जता रहे हैं, एक तरह से विश्वास है इनको कि रवि अगर जीता तो यहाँ वार्ड में प्रत्येक तरह की समस्याएं होंगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।